मेरा लास्ट डे है आज स्कूल का, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। पी हो गई है रेडी। मेरा फेयरवेल हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ आफ्टर पार्टी में और अब यहाँ मस्ती करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो मैं मेरा पहला व्लॉग बना रही हूँ आईफोन से और इस व्लॉग में मम्मा और मैं जाएंगे शॉपिंग करने और मैंने मम्मा को पहले ही बोल दिया था, तो चलो फिर मम्मा। हाँ? चले। हाँ, बस दो मिनट। हाँ, जा कर लो। हम जा रहे हैं मार्केट। क्यों? वो मेरा फेयरवेल आ रहा है ना। फेयरवेल में क्या ट्रिप्स पार्टी करोगे? हाँ, मतलब मेरे को मिल रहा है फेयरवेल में, 12th में आ गई ना। किस चीज की शॉपिंग करने जा रहे हो? किस चीज की? हाँ। साड़ी की। दीदी आप साड़ी में तो आंटी हो गए। इसको है ना कुछ अता पता नहीं है, पहनना पड़ता है फेयरवेल में। ए, चलो ना यार मम्मा। क्या बना रहे हो? अरे ये हलवा बीच में था तो मैंने थोड़ा सिक जाए। गाजर का हलवा बना रही है मम्मा। हाँ क्या बना रहे? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। गाजर का हलवा बना रही हूँ पर अभी बना नहीं है, अभी मैं मार्केट से आऊंगी तब रेडी करूंगी, अभी मैडम को जल्दी है तो चलो ना। तो फ्रेंड्स हम फाइनली जा रहे हैं साड़ी लेने, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं पहली बार साड़ी पहनूंगी तो मेरे को पता ही नहीं है, तो मम्मा आप थोड़ा बता दो कि कैसे साड़ी लेनी चाहिए मेरे को, क्या मेरे को है ना उसमें डांस करना है। इसलिए बोल रही हूँ लाइट वेट साड़ी लेना, बिल्कुल प्रिंट वाली ले ताकि तू फ्री रहेगी। फ्रेंड्स पता है हमारा है ना ऐसा बहुत दिक्कत हो रही है कि मेरे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, फिर फेयरवेल होगा, फिर मेरे कोचिंग में भी टेस्ट होंगे, तो फेयरवेल तो नाम का फेयरवेल है बस। फेयरवेल के पीछे पढ़ाई तो करते ही रहो। हाँ 12th है बेटा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लाने ना। फ्रेंड्स हम शॉप पे आ गए हैं, मम्मा चलो फिर चले। चलो पीयू के लिए साड़ी लेने। अजीब लग रहा है बहुत मेरे पे। अजीब लग रहा है? अजीब लग रहा है। साड़ी अजीब लगेगी तेरे को। चलो फिर दूसरी वाली ट्राई कर लो। बताओ ना मम्मा, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा पहले तू सारी ट्राई कर ले फिर तू फाइनल कर लेना, तू अपना लुक देख ले इसमें। तो ये कलर कैसा लग रहा है पीयू को? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक और ट्राई कर ले। तो पीयू मैडम पता नहीं मेरे को तो, मैं तो और कंफ्यूज हो जा रही हूँ, चित्ते पहन रही हूँ। देख ब्लैक का तो अलग ही लुक आता है पीयू। मेरे को नहीं पता यार मम्मा। चल एक और ट्राई कर ले, मुझे तो ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे को तो वाइट अच्छा लग रहा है, वाइट या ब्लैक बताओ। क्या असर है मेरे पे यार, बता दो ना। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किलों के बाद मेरी साड़ी फाइनल हो चुकी है। फ्रेंड्स हम आ गए हैं सैंडल्स लेने और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ सैंडल्स में भी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने ये दोनों ट्राई कर रखे हैं, मैं तो वाइट ही लेने का मन है, वो सब पे चल जाएगा। बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? देख वो पीछे से पैक है ना। हाँ तो ये पैक वाले अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स मैं पर्स कौन सा लूँ? वो इतने सारे भी है पर्स, मैं तो ऐसा तो ये अच्छा लग रहा है वाला, ऐसे अजीब अजीब सा क्यूट सा, लेकिन वैसे ही बहुत सारा खर्चा कर दिया है मैंने मम्मा का, शायद दिलाएगी भी नहीं मम्मा मेरे को। लूँ क्या पर्स? ये भी अच्छा लग रहा है। ओह ऐसा वाइट वाला मिल गया आपको? ये वाला और मुझे मतलब छोटा सा ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा चाहिए ही नहीं। ठीक है ओके, ये वाला थैंक यू ओके। तो फ्रेंड्स 7:30 बज चुके हैं, हमने पूरी शॉपिंग कर ली है और मम्मा ने मेरे को बैग भी दिला दिया है क्योंकि पीयू को हैप्पी रखना जरूरी होता है। यस मेरी अब मतलब आपकी इकलौती तो बेटी हूँ मैं। हाँ, इकलौती बेटी है, इसको जितना प्यार कर लो। हाँ और अब मेरे को लग रही है भूख, सो अब हम खाएंगे कचौरी। कचौरी वैसे भी गुमानपुरा आओ ना, मतलब हम जहाँ शॉपिंग करने आते हैं वहाँ पर इतना मन करता है ना, इतनी खुशबू हो रही होती है यहाँ पर। हाँ, प्याज की कचौरी की, मतलब ऐसा लग रहा है आज की मेरा बर्थडे है। हाँ गिफ्ट पे गिफ्ट मिले जा रहे हैं, फेयरवेल भी थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट फील करा था। हाँ, एक ही बार आता अब है वैसे स्कूल भी। छोड़ने वाली है पीहू। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर, मैंने शॉपिंग कर ली है साड़ी सैंडल और पर्स की, लेकिन अभी पहले मेरे को भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। अब मैं खा रही हूँ कचौरी, आपको तो पता ही होगा कोटाई कचौरी कितनी फेमस है और मेरी फेवरेट भी है। हेलो फ्रेंड्स को बोल दो हेलो। तुम्हारा खाना बड़ा, तुम खाना नहीं खा रहे? ये लो।
कचौरी है, मेरे को भूख लग रही थी, वो बीच में तो मैं ले आई। भगवान आपका भला करे, आप तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ाए, महीनों से दिखाई थी मैंने कचौरी। हाँ अब खा ली ना, देखो मेरी वजह से। थैंक यू। हाँ कल क्या रहे हो आप? मैं आज मेरा फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। व्लॉग बना के लो तू, ये बता फ्रेंड्स को। देखो मम्मा कच्चा हलवा खाती है। क्योंकि मैं कच्चा हलवा खाती हूँ, मुझे बिना शक्कर का बस दूध में गाजर बॉईल हो जाती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे खाती हूँ, इन सबको शक्कर डालकर देती हूँ। डाइट कॉन्शियस। तो मतलब आप कचौरी नहीं खाओगे ना? अब मेरे को थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, तो मैं भी पढ़ूंगी अकाउंट्स, और फिर हम मिलते हैं परसों मेरे फेयरवेल के दिन। बहुत डर लग रहा है मेरे को साड़ी पहनने में। गुड मॉर्निंग पीहू, जल्दी उठो, आज फेयरवेल है ना आपका, आपने बोला था ना जल्दी उठा देना। तो मेरे कल प्री बोर्ड्स खत्म हुए थे, तो मेरे को आज लास्ट स्कूल जाना है। अब जो मेरे बोर्ड्स होंगे वो होंगे किसी सेंटर में, मेरा लास्ट डे है आज स्कूल का। और तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। व्हाइट साड़ी ली बाद में, और वो क्रॉप टॉप है मेरा जो मैं पहनूंगी, पर्स, हील्स, ब्लश है, पाउडर है, और मस्कारा है, और ये इयररिंग्स। मेकअप थोड़ा सा करना होता है, पर ड्रामे सारे करने होते हैं। तो वो सब तो करके आएंगे ना बाकी मेरे क्लासमेट्स मेकअप, क्योंकि ना देखोगे मैं सोके उठ के आ गई। आज तक तो स्कूल में करती नहीं थी मेकअप, है ना, अब तो अगर अच्छे से मेकअप करके चल जाएगी ना, सब पहचानेंगे नहीं ये कौन आ गई। अब ये तो बताओ आपने आपके फेयरवेल पे क्या किया था? हमारे टाइम पर फेयरवेल ही नहीं होता था। नहीं होता? मतलब हमारे स्कूल में नहीं होता था, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई ना, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते थे। आई शेडो लगाना तेरे को? नहीं, तो बस फिर आई मेकअप करके। अभी रेडी नहीं हूँ, पापा भी खाते खाते आगे। अरे सबसे हल्का हल्का ही लगाऊंगी, लगाने तो दे। हलवा खाएगी? हलवा अरे यार वो तो परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब मत करो। बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स हलवा। पीयू मेकअप कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। पहली बार फ्रेंड्स इसका व्लॉग बन रहा है 3 दिन से। लेकिन पहले साड़ी पहनती फिर मेकअप करती? अरे साड़ी पहन के तो सब ले लेंगी। अच्छा कस्टमर के हिसाब से मेकअप करते? अरे यार मम्मी का ब्यूटी पार्लर। हाँ वीडियो का नाम मम्मी का ब्यूटी पार्लर। थोड़ी सी कैमरे की पोजीशन ठीक कर दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं मत छोड़ो, रहने दो आप, कर दीजिए। अरे चेहरा देखो कैसा लग रहा है। अरे यार पर कर्ल करना, हल्का हल्का काम ऐसे। वेरी गुड, सीख रही है पीयू मेकअप करना, इतनी प्यारी लग रही है। ये वाली आईज देखो, 2 मिनट सुखा ले और फिर उसके बाद चेंज कर ले, ठीक है? सुखा दे कैसे उसको? बस सूख गया। आईब्रो पेंसिल कर तू ठीक? नहीं नहीं आईब्रो का मैं टच भी मत करो। चलो ठीक है चेंज कर ले फिर तू। ओके पीहू रेडी हो चुकी है, पर उसको आ रही है शर्म। मैं नहीं आ रही वीडियो में। अब वो वीडियो में नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, खींच कर लियो? नहीं। अरे आ जा ना, अच्छी लग रही बेटा। अच्छा मैं इस शर्ट पर होंगी, कोई मेरे पे हंसेगा नहीं। हंसना मत फ्रेंड्स, इसी शर्ट पर वो आएंगी, नहीं तो वो नहीं आ रही है, नहीं हंसे। पी हो गई है रेडी। पीहू ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लाइनर पहले लगा लिया था, लिपस्टिक लगाई है और हल्का सा ब्लश लगाया है। ये साड़ी पहनी है मैंने, और ये साड़ी पहनी है। ए, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, मैं खुद को ही। मत जा, छोड़ो, हट। नहीं अच्छा मैं इसमें डांस कैसे करूंगी? कैसे करना है डांस? कौन सा वाला? एक स्टेप कर तो दिखा। कौन सा वाला करूँ? क्या था? इट्स लाइक ऐसे। फिर और स्टेप तो बता दे फ्रेंड्स को। भूल गई मैं, क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स तो आएंगे नहीं, तो यही दिखा दे। बाकी पीयू सच्ची में तो बहुत प्यारी लग रही है। मैं बहुत बेकार लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। मैं बेकार लग रही हूँ? तू पता कैसी लग रही है बताओ? जब मैं थी ना तेरे एज की, तब मैं भी ऐसी लगती थी, बस मैं बाल पैक रखती थी, तू बाल खुले रख रही है। Yeah. तो फ्रेंड्स अब पीहू को देखो फुल लुक। Yeah. Yeah. बस
ये है मेरा फुल लुक मैडम। चलो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ। आप अच्छे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है यस ओके। चलो पापा को तो दिखाओ। पापा आपकी मैडम तैयार हो गई है, देखो बेटी को साड़ी में पहली बार। बड़ी बड़ी लग रही है ना। हाँ, बड़ी लग रही है। हील्स ऊपर कैसे आ रही है? अच्छा तो कोई बात पूछ लेती हूँ। बोलो आपके फेयरवेल पे आपने क्या किया? मतलब मम्मा ने तो बोला कि उनकी फेयरवेल पे कुछ भी नहीं किया। हमारे तो गवर्नमेंट स्कूल था, कुछ होता ही नहीं था। आपने क्या किया था? कमाल, खूब मस्ती करी। जब दिया था फेयरवेल तब तो हमने ज्यादा ही मस्ती करी थी, और जब लिया था तब हम थोड़े बड़े हो गए थे, अभी मैच्योरिटी दिखानी थी कि ट्वेल्थ वाले हैं। हाँ। तो है ना प्रॉपर सूट वूट पहन कर उन लोगों ने किया था। हमने डांस वांस था हमारा, लेकिन हमने खाली एंड में पार्टी में डांस किया था। बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मतलब आपने मेरे को तो कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सुंदर लग रही है। चलो ठीक है, आप भी हो मिलेगी स्कूल में। तो फ्रेंड्स मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे को जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बट अब मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को चल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ, और मैं चॉकलेट्स लाई हूँ क्योंकि मेरा जो बर्थडे आएगा अभी तो मैं उस टाइम स्कूल में नहीं होंगी, तो अब मैं इस बार चॉकलेट्स दे दूँगी मेरे फ्रेंड्स को, और मिलते हैं आपको स्कूल में। फेयरवेल हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ आफ्टर पार्टी में, और अब यहाँ मस्ती करेंगे। गाइस तुम्हें मेरे बारे में कुछ बोलना है? जैसा यूट्यूब पे वैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइस बहुत ज्यादा मस्ती हो रहा है, बहुत ज्यादा, बट इट लास्ट बेकार दोस्त है। हां हां ओके ओके ओके। शी इज सच अ स्वीट गर्ल एंड वी ऑल लव हर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी लड़की है और इसके बहुत फ्रेंडली नेचर है। ओ थैंक यू, बहुत क्यूट भी है ये। ओ थैंक यू युतिका। लोग गाइस तो मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो क्या? हाँ शाह शुरू हो चुका है वीडियो, बताओ। तो गाइस मैं तुम सबके लिए लाई हूँ फरह रोशन, और यही मेरी बर्थडे की पार्टी होगी, तो यही ले लेना। अकेले नहीं खाना है। घर आ चुकी हूँ 9 बजे, इतना लेट पहली बार। आयो देखने को क्या मिला? क्या मिला? मैं पता है फ्रेंड्स, मैं बनी मिस डायनामिक। डायनामिक? हम थे 120 बच्चे, उसमें से एक मैं, मतलब हम बस 8 जनों को चूज किया था। क्या भी हो तुम मिस डायनामिक बनी? रैंप वॉक किया और उसमें लाइक उसके हिसाब से बनी मैं मिस डायनामिक। ये तो जूनियर्स ने दिया। नहीं ये पेन होल्डर है। ओ मिल्क चॉकलेट है। वाओ थैंक यू। आप साड़ी में अच्छा तो लग रहे हो। कॉम्प्लीमेंट दिया यू। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना कैसे लग रहे दीदी। अच्छी है। क्या है अंदर को प्रॉब्लम? ये तक उम्र से ये भी बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, तो मैं और भी ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगी। बाय। मैं भी आऊंगा। मैं थक गई बहुत ज्यादा। सो जाओ।